छतरपुर में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लाउड स्पीकर पर दिए आदेश का विरोध शुरू हो गया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने आज कलेक्टर जन सुनवाई में ज्ञापन देते हुए मांग करते हुए कहा कि मस्जिदों सहित मंदिरों से प्रशासन की टीम जबरदस्ती लाउड स्पीकर उतरवा रही है। एमपी सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है जिसमें लाउड स्पीकर को धार्मिक स्थलों से उतरवाया जाए, क्योंकि जो आदेश आया है उसमें परमिशन के तहत तय मापदंडों पर लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। लाउड स्पीकर हटाने से उनकी धार्मिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, जिसका वह विरोध करते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि शासन के निर्देश हैं कि अब कोई भी लाउड स्पीकर बिना अनुमति के नहीं बजेंगे। कई लोग मुस्लिम समुदाय के लोग आए थे जिनका कहना था कि हम लोग के जो है मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाया जा रहा, सभी धार्मिक संस्थाओं से लाउड स्पीकर अभी पूर्णतः हटा लिया गया है और एसडीएम ही उनके जो है स्वीकृतकर्ता अधिकारी हैं, उनके आवेदन पे हम स्वीकृति दे सकते हैं, वो भी विशेष फंक्शन के लिए, त्योहारों के लिए। सर, उनका मांग है कि लगातार जिस तरीके से अजान होती है 2 से 3 मिनट के मंदिर, वो तो शासन ने निर्धारित कर दिया है कि अब कोई भी लाउड स्पीकर बगैर अनुमति के नहीं बजेंगे। हमारा नाम हाजी शहजाद अली है, तंजीम अता मुस्तफ़ा अल्पकल कल्याण समिति के हम सदर हैं। आज कहाँ पर आए, क्या सब? आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए हैं कि हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सारे मस्जिदों के कल माइक निकाले गए और वहाँ पर अजान देने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, जबकि हम लोगों की अजान 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाती है। और जो सरकार का जो हम लोगों ने आदेश पढ़ा है, शासन द्वारा जो आदेश आया है, उसमें कहीं भी लाउड स्पीकर निकालने का कोई जिक्र नहीं है। केवल उसमें डेसिबल दिया गया है कि कलेक्ट्रेट में डेसिबल ये दिया गया है कि जहां रिहायशी इलाका है वहां पर इतने डेसिबल, जहां औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर इतना डेसिबल, जहां शांत जोन है वहां पर इतना डेसिबल। तो हम लोग उसका पूरा पालन कर रहे हैं। इन्होंने पहले खबर भेजी कि इसको आप कम करा दें, हम लोगों ने माइक कम करा दिए, माइक भी वो तो कम करा दिए, उसका वॉल्यूम भी कम करा दिया, इसके बावजूद भी अब एक भी माइक नहीं लगने दे रहे और माइक निकाल रहे हैं। तो इसके विरोध में हम लोग आज आए हैं कि इस तरीके से जो किया जा रहा है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी पूरी कौम में बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस चीज़ को लेके कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मस्जिदों से या मंदिरों से कहीं से भी माइक उतरवाए गए हों, जबकि उसमें लिखा है कि आप परमिशन लेके बजाएं डीजे जो कार्यक्रम के लिए। जब कार्यक्रमों के लिए परमिशन का है तो मस्जिद मंदिरों के लिए थोड़ी है, ये तो बरसों से लगे चले जा रहे हैं माइक। आज का थोड़ी है कि हम लोग परमिशन लें और फिर माइक लगाएं, ये बरसों से मस्जिदों में अजाने हो रही है, मंदिरों में अपनी पूजा हो रही है। तो ये एक नया अपना ये जिला प्रशासन द्वारा हो रहा है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश शासन के आदेश है वे कुछ और हैं, यहाँ पर जो कराया जा रहा है वो कुछ और कराया जा रहा है। तो उसके हम लोग खिलाफ़ हैं और हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारी धार्मिक परंपरा है, इस पे पूरे मुसलमानों को आक्रोश है और उनके दिलों में बहुत ठेस है। और ये हम लोगों को यहाँ पर लड़ाने का काम जो किया जा रहा है, तो हमारी गुजारिश है इस प्रशासन से जो अभी बैठा हुआ है कि भाई जिस तरीके से पहले चलता आया उसी तरीके से चलाएं, हम लोगों को आपस में ना लड़ाएं, राजनीति अपनी जगह है और जो शांति बनाए रखना है, जो अपना स्वार्थ बनाए रखना है, ये एक अलग चीज़ है। तो हमारी सबसे गुजारिश है हिंदू भाइयों से भी, मुस्लिम भाइयों से भी, कि आपस में सौहार्द बनाए रहें, जो शांति हमारी अमन चैन हमारे शहर में रही उसको कायम रखें। और रहा लाउड स्पीकर का, तो इसके लिए अपन फिर से एक बार आपके माध्यम से प्रशासन के पास ये अपील करते हैं कि इस तरीके से ना किया जाए कि लाउड स्पीकर उतरवाए जाएँ। हाँ, जो डेसिमल में आपने कहा है हम लोग उस डेसिमल में बजाने के लिए तैयार हैं और हमारी जो अजान है 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाती है, जिससे इसमें किसी को भी कोई दिक्कत पैदा नहीं होती। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।